गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूं तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इस टाइप की आवाज सुनाई देती है, देन मैं एडिट करने के बाद ऐसी आवाज कर देता हूं। सो नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर, अगर आप वीडियो बनाते हो तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है ना आपकी वॉइस क्वालिटी। जब तक आपकी वॉइस क्वालिटी जो है ना आपकी क्लियरिटी नहीं आएगी, HD में नहीं आएगी, वॉइस जो है आपकी साफ सुथरा नहीं आएगी, तब तक आपका वीडियो में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप अपने वीडियो को शूट करने के बाद बेसिकली जो भी एडिट करते होगे, मैं 90% की बात कर रहा हूं, काइन मास्टर ऐप का यूज करते होगे। तो गाइस मैं इस ट्रिक से बताऊंगा कि काइन मास्टर से आप HD वॉइस में कैसे एडिट कर सकते हो। HD में मतलब आपकी वॉइस अगर नॉर्मल क्वालिटी में तो उसको कैसे HD वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। सो गाइस, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको जेन्युइन रियल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं सो गाइस अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये विदाउट माइक का हो रही है, क्योंकि मैं अगर वॉइस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एडिट करके तो वो उसमें माइक में सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए विदाउट माइक का भी शूट कर रहा हूं। तो गाइस सिंपली से आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपके रेशियो पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर आपकी जो वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो, जिस वीडियो का वॉइस, उस वीडियो को यहाँ से सिंपली से चॉइस कर लेनी है। चॉइस करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। जब आपका पूरा वीडियो इस टाइप का ले लोगे तब मैं आप लोगों को एक बार सुना के दिखाता हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी किस टाइप का आ रही इस वीडियो की, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। आपकी वॉइस जो है ना एकदम गजब का बन जाएगी गाइस, अगर इस ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल कर ले तो अपने काइन मास्टर पे अपने वीडियो का वॉइस बनाने के लिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली से गाइस इस वीडियो का पहले वॉइस सुन लो। सो गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूं तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इस टाइप की आवाज सुनाई दे। सो गाइस काफी लाउड, मतलब बोलोगे ना एकदम काफी कम आवाज आ रही है। तो इसको मैं बनाऊंगा कैसे दिखाता हूं। तो सिंपली से आपको इस लेयर पे क्लिक करनी है, एकदम गजब का गाइस, एकदम 2 मिनट में आपकी वॉइस बन जाएगी। तो सिंपली से यहां पर इस लेयर पे क्लिक करनी है। देन यहां पर एक कैंची का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देख सकते हो, इस कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। देन यहां पर लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यहां पर देख सकते हो, सिंपली से यहां पर क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे देन आपको क्या करनी है, क्लिक जब हो जाएगा तब आपको क्या करनी, नीचे आनी देख सकते हो, ये आपकी ऑडियो जो है यहाँ पर आ जाएगी हुई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आपकी ऑडियो यहाँ पर शो कर गई होगी। तो सिंपली से आपको क्या करनी, इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दिमाग क्या लगाना है। सिंपली से आपको यहाँ पर एक देख सकते हो इस स्पीकर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करो। देख सकते हो ये जो ऑफ अगर होगा तो इसको ऑन कर लो सिंपली से यहाँ से। देन इसको अगर 100 अगर कम है 100 से तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, एग्जैक्ट मतलब कम से कम 122 या फिर 120 कर दो, ठीक है। यहाँ पर इतना कर दिया। देन यहाँ पर पिच, आपकी वॉइस जो है आप सुन के अंदाजा कर लो कि आपकी वॉइस अगर पतली आ रही है तो आपको सिंपली से इस पिच को थोड़ा सा इधर घिसका देनी है, ठीक है। अगर मोटी आ रही है, ठीक है, अगर मोटी अगर आवाज़ आ रही है तो सिंपली से इसको थोड़ा सा आपको दाहिनी ओर खिसका देनी है। अपने अनुसार एडजस्टमेंट के तौर पर देख लो कि किस टाइप की मेरी आवाज़ आ रही। तो जब इस टाइप का हो जाएगा देन आपको लेफ्ट एंड राइट में ये कंप्रेसर को आपको क्या करनी, कंप्रेसर वाले बटन को आपको सिंपली से क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है, ये ऑन ऑफ ही रहेगा। देन आपको लेफ्ट एंड राइट में आपको क्या करनी, इसको थोड़ा सा राइट कर देनी। देन यहाँ पर आ जाने, राइट में आ जाने के बाद आपकी जो वॉइस आपके वीडियो का लेयर पर यहाँ पर क्लिक करके आपके वॉइस पर आपको क्या करनी, इसको क्लिक करके इसको जीरो कर देनी है, ठीक है, जीरो कर दे। देन यहाँ पर अब मैं इस वॉइस को सुनता हूँ कि जो आपकी वॉइस क्वालिटी आ रही थी वो अब किस प्रकार से आ रही है। सो गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूँ तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इस टाइप की आवाज सुनाई देती है, देन मैं एडिट करने के बाद ऐसे आवाज कर देता हूँ। सो गाइस देखना कितना मतलब कितना ज़्यादा क्राउड, मतलब बोलोगे ना कितना ज़्यादा बढ़िया आवाज़, मतलब कम आ रहा था, धीमी से आ रहा था पहले, लेकिन अभी कितना बढ़िया से आ रहा है। तो गाइस आपको क्या करनी, और थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर देनी है, थोड़ा सा इस पे लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको क्या करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, सबसे ऊपर म्यूज़िक का, तो ये स्पीकर वाला हो गया। यहाँ पर आपको बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अगर कोई वॉइस चेंजर में अपनी आवाज़ को चेंज करना चाहते हो सिंपली से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, काफ़ी मोमेंट फनी मोमेंट टाइप का लगेगा। सो गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूं तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इस टाइप की आवाज सुनाई देती है। सो गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूं तो
सो गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूं तो सो गाइस देखा आपने कैसे कैसे मतलब वॉइस चेंजिंग हो रहा है। तो सिंपली से जो था पहले वाला नन मैं रख देता हूँ, सिंपली से जो आपका बेटर लगता है आपको उसको चॉइस कर लो। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख सकते हो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको इक्वा इक्वलैप जो है ना इनवोलैप इसको सिंपली से आपको क्या करना 90 कर देनी, ठीक है। 90 कर देने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी, ये आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा आप बन जाएगी देखना। सो गाइस वीडियो को मैं जब शूट करता हूँ तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इस टाइप की आवाज सुनाई देती है, देन मैं एडिट करने के बाद ऐसे आवाज कर देता हूँ। सो गाइस देखा, सो गाइस ऐसे ही आप उन वॉइस को बना सकते हो। और हाँ एक चीज, विदाउट माइक में क्या होता है थोड़ा सा आपके जो बोलोगे ना आपकी आवाज़ तो गुमराहट टाइप की आती है। अगर एक बंद कमरे में आप अपने ऑडियो का रिकॉर्डिंग करते हो, अपने वीडियो का रिकॉर्डिंग करते हो तो थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट के तौर पर अपना कोई एक वो या एमोन का एक माइक परचेस कर लो। एंड उससे अगर वीडियो अगर आपकी वॉइस क्वालिटी बेटर आप उसमें और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो, ठीक है। अगर एक रूम में बैठ के अगर वीडियो शूट कर रहे हो, अगर बाहर जाके कहीं और वीडियो शूट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें नॉइज़ वगैरह जो होती है नहीं आती है, आपकी आवाज़ में गुमराहट नहीं आती, तो आप बेस्ट से बेस्ट अपने माइक को परचेस कर लो। परचेस करने के बाद अपने माइक को अपने माइक से वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद इस टाइप की अपनी आवाज़ को मतलब मिक्सिंग करो। नहीं तो भाई साहब अगर आप एक रूम में बैठ कर इस टाइप की वॉइस बनाओगे तो उसमें आपकी क्राउड काफ़ी सारी मतलब फैलेगी, बोलोगे एकदम आवाज़ आएगी, बहुत तरह का बोलोगे ना क्राउड टाइप की लगेगी, ठीक है। सो गाइस यही है जानकारी, अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।